लॉकडाउन खत्म होने से पहले पीएम मोदी 14 अप्रैल को कर सकते हैं संबोधित, कल राज्यों के सीएम से होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें महामारी संक्रमण से निपटने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन 14 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। ऐसे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 अप्रैल को पीएम मोदी देश को संबोधित कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने 24 मार्च को देश को संबोधित करते हुए 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ दिनों के बदलाव के साथ लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जा सकता है। नए लॉकडाउन में स्कूल, कॉलेज और धर्म स्थल बंद रहने की संभावना है। 9 राज्यों के सीएम ने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग भी की है। पिछले दिनों सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मोदी साफ कर चुके हैं कि देश के सोशल इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है, हर किसी की जान बचाना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में लॉकडाउन को एक साथ नहीं हटाया जा सकता है। महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन पर उड़ीसा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उड़ीसा में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से 30 अप्रैल तक ट्रेन और हवाई सेवा शुरू ना करने का अनुरोध किया है। राज्य में शैक्षणिक संस्थान 17 जून तक बंद रहेंगे। ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य उड़ीसा बन गया है। भारत में 10 अप्रैल की दोपहर 2 बजे महामारी के कुल 6,825 केस सामने आ चुके हैं। 229 लोगों की जान गई है, जबकि 641 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में महामारी के सबसे ज़्यादा महामारी संक्रमित लोग पाए गए हैं। महाराष्ट्र में लगभग 1,364 लोग, तमिलनाडु के 834 लोग और दिल्ली में 720 लोग महामारी पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी 14 तारीख को एक बार फिर से देश को संबोधित कर सकते हैं और वो उसमें लोगों को बताएंगे कि ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है इसे आगे बढ़ाया जाएगा या फिर लॉकडाउन यहीं पर ही ख़त्म होगा। साथ ही हो सकता है कि वो कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगे रहने दें और बाकी सारे देश में लॉकडाउन को खुलवा दें। तो देखना होगा कि पीएम मोदी किस तरह से देश को संबोधित करते हैं।